हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा फाउंडेशन में। मैं विवेक कुमार सिंह आज इस वीडियो में आपके साथ चार जनवरी की करंट अफेयर शेयर करूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट रही हैं कल की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अब आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और आप हमें टेलीग्राम पर भी जो है ऐड हो सकते हैं हमसे, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पर रेगुलर मिलती रहेंगी। तो टॉपिक के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, देखते हैं। 86 परियोजनाओं के निष्पादन की सुविधा के लिए नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष RIDF के तहत चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही में 735.53 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इम्पोर्टेंट क्या होता है, नाबार्ड ने किया है, सुविधा के लिए नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल के लिए RIDF कोष तैयार किया है, और उसके तहत पहली तिमाही में कितना करोड़ को मंजूरी दी है, 735.53 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इम्पोर्टेंट हो जाता है नाबार्ड का फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1982 जुलाई 12 नाबार्ड अस्तित्व में आया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है, और अध्यक्ष जो है इस समय डॉक्टर हर्ष कुमार भवर। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये, नाबार्ड से रिलेटेड है, और ग्रामीण एग्रीकल्चर सेक्टर में जब भी कोई योजना आती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपको ध्यान क्या रखना है, किस स्टेट में है, तो वेस्ट बंगाल। किसने शुरू की, नाबार्ड के द्वारा लगाई गई है। होगा क्या, इसके तहत RIDF फंड तैयार किया जाएगा, जिसमें पहली तिमाही में नाबार्ड ने वेस्ट बंगाल को 735.53 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी RBI से। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में काम करने के लिए बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस दिया है। बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस मिला है। उर्जित पटेल RBI के 24वें राज्यपाल, मुख्यालय मुंबई, 1 अप्रैल 1945 को कोलकाता में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ चाइना को जो है इन्होंने जो है प्रेजेंट किया है, लाइसेंस दिया है बिजनेस करने के लिए इंडिया में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं RBI के फैक्ट। तो RBI के जो गवर्नर है इस समय कौन है, उर्जित आर राघवन पटेल 24वें गवर्नर है हमारे। मुख्यालय क्या है, मुंबई। 1 अप्रैल 1945 को कोलकाता में एस्टेब्लिशमेंट दिया गया, और 1949 को क्या है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आगे बैंक ऑफ चाइना से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ चाइना का। एस्टेब्लिशमेंट ईयर फरवरी 1912। BOC औपचारिक रूप से फरवरी 1912 में स्थापित किया गया। चेन सिकिंग BOC के अध्यक्ष हैं। ये RBI से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बैंक ऑफ चाइना के करंट अफेयर और फिक्स जो GK है इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। टोनी पुरस्कार विजेता लिलियन मोंटेवेची पेरिस में पैदा हुई डांसर, अभिनेत्री और गायक कोलन कैंसर के साथ लड़ाई के बाद 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वन लाइनर क्वेश्चन है, टोनी पुरस्कार विजेता कौन है, विजेता लिलियन मोंटेवेची। निधन हुआ अभी हाल ही में, एक अभिनेत्री गायक का निधन हुआ कैंसर से। क्या थी, नाम दे सकता है और आपसे पूछ सकता है ये क्या है, डांसर, अभिनेत्री, सिंगर, इनमें से सभी। तो इस तरीके से ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP टोक्यो जापान में अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह आसियान देशों के बाहर होने वाली पहली RCEP मंत्री स्तरीय सभा थी। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पहली सभा है RCEP की आसियान देशों के बाहर। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, आसियान कंट्री के मेंबर कितने हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में से शो करोगे आसियान के जितने भी मेंबर्स हैं। ठीक है, पहली मंत्री स्तरीय सभा थी, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, और पहली बार आसियान के बाहर ये सभा हुई है। अभी कहाँ हुई है, टोक्यो जापान में। ठीक है,
सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री चान चुन सिंह और उनके जापानी समकक्ष हिरोशिगे सेको की सह अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट न्यूज है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने नई दिल्ली में खादी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम KIMIS नामक स्वविकसित ई मार्केटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए देश में कहीं से भी सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। परचेजिंग सिलिंग ई मार्केटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब आप इस सिस्टम के द्वारा कहीं से भी परचेजिंग और सेलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। नहीं, अभी एक इसी पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विनय कुमार सक्सेना KVIC के वर्तमान अध्यक्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नीति आयोग चर्चा का विषय रहा है। नीति आयोग सितंबर 2018 में नई दिल्ली में मोवा ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। कहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है वेन्यू? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन। यह शिखर सम्मेलन वाहन विद्युतीकरण, अक्षय ऊर्जा, एकीकरण और नौकरी की वृद्धि के लिए सरकार के लक्ष्यों को चलाने में मदद करेगा और एक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में भारत की गति को भी तेज करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीति आयोग के द्वारा जो शिखर सम्मेलन चलाया जा रहा है, मोवा ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया है, जो दुनिया भर में 1200 से अधिक उम्मीदवारों के साथ अपनी तरह का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन होगा। बात आती है, पहला शिखर सम्मेलन इस तरीके का, इस वजह से और इम्पोर्टेंट हो जाता है। शिखर सम्मेलन में 3 नामित घटक दी कंक्लेव एक्सपो फीचर्ड इवेंट्स का गठन करेगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार, अमिताभ कांत CEO। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए नीति आयोग से रिलेटेड, और जो करंट की न्यूज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर की। इम्पॉर्टेंट है वेन्यू नई दिल्ली, सम्मेलन का नाम क्या है मोवा ग्लोबलिटी मोबिलिटी शिखर सम्मेलन, अध्यक्षता कौन किसने की, उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तरीके का ये पहला शिखर सम्मेलन है और इसमें जो 3 घटक थे उनके नाम क्या है, दी कंक्लेव एक्सपो फीचर इवेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 4 दिवसीय मेघालय वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव बेदी नक खलम में भाग लिया, जो हर साल जोई मेघालय के छोटे परिधि शहर में आयोजित किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, मेघालय में भी एक महोत्सव चल रहा था बेदी नक खलम। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। बेदी नक खलम त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन क्या है, मेघालय में मनाया गया। शहर इम्पॉर्टेंट नहीं है, शहर उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी राज्य इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये महोत्सव कहाँ मनाया गया है। बेदी नक खलम मेघालय में सांस्कृतिक महोत्सव है मनाया गया है। देश की पहली ई अपशिष्ट रिसाइकलिंग इकाई बेंगलोर कर्नाटक में होगी, ओपनिंग अभी नहीं हुई है, स्टार्टिंग है। बेंगलुरु में जो है पहली रिसाइकलिंग इकाई खोली जा रही है, यूनिट खोली जा रही है, पहली है, इस वजह से और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ ओपन हो रही है? बेंगलोर कर्नाटक में ई वेस्टेज को रिसाइकल करने के लिए एक यूनिट तैयार की है। मतलब जो कचरा है उसे साफ करने के लिए और उसे रिसाइकल करके फिर से यूज़ में लाने के लिए कर्नाटक में जो है ये ओपन की गई है। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आप हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट पर हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे हम आपको डेली नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकें
अपनी सारी वीडियोज़ का, ब्रॉडकास्ट पर जितनी भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं सभी को शेयर करते हैं। चाहेंगे आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, ब्रॉडकास्ट में पब्लिक अकाउंट है, आप सर्च करेंगे शिक्षा फाउंडेशन, आपको टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट का लिस्ट मिल जाएगा, लोगो यही है वहाँ पर भी। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।